again I'm going to Dwarka sector 12 city center mall. Actually I have a meeting. कुछ लोग आप लोगों के लिए पक रहा है उसले जा रहा हूँ, चिंता मत करो, मजा आएगा। वो वीडियो एक बार डल गई YouTube पे तो मजा आ जाएगा। तो लेट्स बिगिन। But as usual, traffic. द्वारका सिटी सेंटर मॉल ऊपर देख लो, ये ऊपर का वॉल सारा मेरे को अच्छा लगा, देख लो। तो अभी यहाँ पे जो है एक मीटिंग चल रही है ये तीनों के साथ, तो एक वाइन आने वाली है साथ में, एक इंटरव्यू टाइप आने वाला है लेकिन उसमें कुछ डेयर वगैरह होंगे तो उस चीज़ का वेट करो, समथिंग इज कुकिंग। तो अभी राइडर सोल भी आएगा, उससे पहले हम यहाँ पर मीटिंग पूरी करते हैं तीनों के साथ और देखते हैं क्या होता है और क्या बनता है मामला। आई थिंक अच्छा ही बनेगा जो बनेगा। लाइक MSK TV देखा है किसी ने? वैसे ही है, MSK अपना भाई है, कल उससे भी मिलने जाना है तो इसलिए MSK आ रहा है अभी दिमाग में। तो भाई आपका नाम? अभिषेक। अभिषेक आपका? दीक्षा। तुषार। अबे BC गाली नहीं दे रहा हूँ, चैनल का नाम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर देना, उधर वीडियो आएगी। अबे BC यार। अच्छा असली BC कौन है? असली BC कौन है? बात करते हैं फिर देखते हैं और क्या बनता है और क्या मामला आगे आप लोगों के लिए आएगा आगे। तो एक चीज दिखाया, रोक दीजिए। तो बहुत अच्छा प्लानिंग, कल टेढ़ा हो गया फ्रेम ने ज्यादा पी ली, आ जाओ फ्रेम में। तो बहुत अच्छी हमने कर लिया प्लानिंग, आएगा मे बी इन अ 2 वीक्स दोनों वीडियो आउट हो जाएंगी। बट एक ही बात है, आप लोग सपोर्ट करोगे उस वीडियो को तो वैसी वीडियो और आएंगी, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मैटर करता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ उसी वीडियो में कम से कम नहीं तो 3 से 4 हज़ार लोग तो मेरे को पता है कि मेरे देख ही लेंगे, बट उसके अबव जानी चाहिए। और मैं चाहता हूँ यार आप लोग उस चीज़ को प्यार दो। कुछ नया ट्राई कर रहा है आपका भाई ब्लॉगिंग के अलावा? टेक ट्राई कर रहा है, आज तक मैंने वाइन भी बनाई। वाइन देखी मेरी? वाइन मेरी इसी चैनल पे है, मतलब बहुत बकवास है वो, मत देखना, मैं रिकमेंड नहीं करता, बट करा है। हाँ वो काम करके देखा है और हर्ष बेनीवाल वगैरह के शूट करे हैं। तो अब चलते हैं, यहाँ से तो नहीं जा रहे, अभी कुछ ठंडा पियेंगे और बातचीत करेंगे, उसके बाद राइडर सोल आ रहा है, फिर राइड पे जाएंगे, राइड मतलब छोटी मोटी यहाँ आसपास, और देखते क्या मज़ेदार दिन करते हैं आज का। और चैनल का नाम बता दो एक बार, मैंने तो गलत बोल दिया। चैनल का नाम है असली BC, सो उसे भी सपोर्ट करो और राघव भाई को भी सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बैठे ना इसके पार, वो तो ग्रेट है यार, तुम आदमी लाजवाब, तेरा कोई ना जवाब। तो गाइज अभी वो तो चले गए, अब बस सारी मीटिंग हो चुकी है, थर्सडे को शूट चालू हो जाएगा। तो अभी हमारे बीच में राइडर सोल द्वारका घुमाया जाएगा या कहीं चलना है? द्वारका घुमाया जाएगा, देख रहे हो मैं आया हूँ द्वारका घुमाने, ये प्लान है बर्गर किंग के पानी। भाई मैं देख रहे हो मैंने तेरे को छूट दी, क्या बोलो कौन सी कोल्ड ड्रिंक लेगा? यही भाई पानी लेके आ रहा हूँ।
सो गाइस टोटली 6 hours हो गए हैं मेरे को यहाँ पे, बट जो भी था टाइम बिताया मज़ा आया। तो यहाँ पे हमारे साथ है रा डॉट व्लॉग्स। तो भाई आर ए डॉट व्लॉग्स, आर ए तो एक ही तो बात हुई, सही बात। और डॉट कॉम भी वेबसाइट भी बनवा रखी है मेरी। किस चीज़ के ऊपर? नॉर्मल जो मैं यूट्यूब पर कंटेंट डालता हूँ पहले उस पर डालता हूँ क्या मेरा कंटेंट आने वाला है, क्या आ चुका है उस पर जाके पढ़ सकते हैं उसके बारे में। तो ये तो खदा है ही हमारे साथ। हाँ भाई, तो गाइस मैं हूँ दिल्ली का लौंडा और मेरा चैनल करीब 2 महीने पहले शुरू हुआ था और मैं ज़्यादातर ब्लॉग्स करता हूँ दिल्ली में घूम के या बाहर घूम के। मेरा ब्लॉगिंग चैनल है और घूमने में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ मैं। और मेरी वीडियोज़ आपको मेरी गर्लफ्रेंड के साथ दिख जाएगी जिसका नाम श्रद्धा है। और बस यार सपोर्ट करो, नया नया चैनल है और दिल्ली का लौंडा हूँ, बहुत सारे अलग अलग तरह के आइटम लाता रहता हूँ, तो आप उसे देखिएगा और सपोर्ट करिएगा। थैंक्स भाई, ज़रा दिलदार है। सो डियर केटीएम इंडिया, मैं बस इतनी बात करूँगा, आपने 8000 का टायर लगाया है, पंचर पे पंचर हो रहे हैं, मैं क्या कहूँ तुम्हें। 8000 का टायर, 10000 का टायर है। अब 10000 का टायर ऐसे पंचर हो रहा है, फिर तुम कहते हो कि बाइक भगाओ कि 4 सेकंड में पहुंच जाती है। कितनी 100 बोली थी ना जब वो लॉन्च इवेंट था, 4 सेकंड में 100। अब टायर गर्म होगा, पंचर होगा तो भाई मेरे को ये चीज़ तो बिल्कुल पसंद नहीं आई तुम्हारी केटीएम इंडिया। ये जो पंचर वाला सीन है ना, ये आई थिंक इस बाइक पे मैं कम से कम नहीं तो कितनी, ये मेरा 9वां या 10वां पंचर है और किसी भी टायर के लिए 9वां और 10वां पंचर मैटर करता, पूरा टायर खत्म हो जाता है। अब पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, कौन सा टायर इससे बढ़िया, तो तुम मिशलिन या MRF डाल के दे दो, वो चलता होता है कम से कम लॉन्ग लाइन। जाते घर हर 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 तीसरे दिन मेरे को यहाँ पे खड़ा होना पड़ता पंचर की दुकान में, बस मेरा यही काम रह गया। सो गाइस मैंने तिलक नगर का फ्लाईओवर उतर गया, ये लाइन जानी बचानी सी है, किसी ने दिल्ली एंथम सुना है तो बताना कमेंट सेक्शन में। तो बस मैंने ये बोला था KTM का, बस मेरे को टायर का 10000 का टायर ऐसे ख़राब हो जाता है क्यों? KTM इंडिया को ये नहीं पता कि हम ऐसी सड़कों पे चलाते हैं जहाँ पे इतना जाम लगता है, मैं क्या बोलूँ। पंचर की खबर थी तो टायर फट ही गया, मतलब द्वारका से यहाँ पे आने में देखो, यहाँ पे अगर आपको देखे तो टायर फट गया, ये दिखा दूंगा जब मैं टायर निकलवाऊंगा। तो टायर फट ही गया, मतलब खत्म हो गया, सत्यानाश हो गया। 10000 रुपये पानी में 6000 किलोमीटर चला ये टायर, पता नहीं मेरे को 6000 किलोमीटर चलने वालों में से है टायर या कितना चलेगा। फट गया टायर, गया फट। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, लेकिन इसका टायर जो है बिल्कुल फ्लैट हो गया है। और मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है बिल्कुल देखो फ्लैट हो गया है, मतलब अभी तो मैंने इसमें थोड़ी बहुत हवा भरवा के घर तक आए, देखो कितने सारे पंचर लगे हुए। तो अब जल्दी से चलते हैं नया टायर लेने फ्रांसिस एयर, तो जल्दी चलते हैं। आपको ऑडियो क्वालिटी इसलिए ख़राब आती है क्योंकि माइक चलता है तो वो पीछे से चलता है। मेरे को जल्द से जल्द उधर पहुँचना है क्योंकि कल सुबह है, कल दोपहर को है MSK का मीटअप और वो मैं मिस नहीं करना चाहता। काफ़ी लोगों ने बोला कि तू गाड़ी लेके जा, क्यों जाऊँ जब मेरे पास उसके जैसी सेम बाइक है। बस जल्दी से पहुँचता और आपको दिखा दो कौन सा टायर ले लो, ले रहा हूँ काफ़ी स्पेशल टायर है, तो चलो जल्दी। सो गाइस फाइनली टायर मिल चुका है, आ रहा है अभी। और ये रही दुकान की, सेक्टर 18 रोहिणी में दुकान। देखो स्पॉन्सरशिप नहीं है ना कुछ, मतलब कम तो मैं करवा लूँगा, बट यही बात है कि यार बुरे समय, यानी कल मेरे को मीटअप में जाना उसमें काम आ गए, इस टाइम मेरे को टायर मिल गया, बेस्ट। सो अभी मैंने जब भैया ने मेरे से पूछा, ये रे भैया हमारे, भैया ने पूछा कि अभी कौन सा टायर यूज़ करो, मैंने कहा स्टॉक टायर कौन सा, मेजलर। वो कह रहे तुम मेजलर का ढंग से यूज़ नहीं कर रहे। अब मैंने कहा यार ये इंडिया की सड़कें हैं, इनमें हर दूसरे दिन पंचर आएगा, मतलब हीट्स अ लॉट, उसमें टायर इतना गर्म होगा। अभी मैंने आपको दिखाया नहीं कि जाम था आज, जो मैं आ रहा था ना डिस्ट्रिक्ट से, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट से, वो जाम दिखाया नहीं, मेरे SJKM की बैटरी गई थी। तो यार देखो KTM इंडिया, मैं कहता हूँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ये टायर जो है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा टायर दिया तुमने, ट्रैक के लिए ऑसम टायर है, मतलब ज़बरदस्त, बट वो इंडियन रोड्स के लिए नहीं बना, सॉफ्ट कंपाउंड है। अरे वो तो टूरिंग के लिए भी नहीं बना, हमारे JS पाजी का कितनी बार टायर फट गया, तो ये फाइनली ले लिया है। अब कल सुबह इसको जाके लगवाएंगे और अभी फिलहाल इसको गाड़ी में डालते और चलते घर। फुल व्यू दे दियो ना। तो ये जो है ये है टायर, मिशलिन पायलट 2 नहीं है भैया के पास अवेलेबल, क्यों नहीं है अभी अवेलेबल नहीं है कहीं पे, कभी कहीं क्यों कंपनी बिलिंग में यही आ रहा है।
चलो बढ़िया है, जैसा भी है। तो ये मिल गया टायर, अब कल सुबह मैं जाऊंगा, कल के व्लॉग में आपको पता चलेगा कि कैसे मैंने इंस्टॉल करवाया है। बस चलते हैं जल्दी घर की ओर। हाँ जी, तो ये दुकान है, देख लो, यहाँ पे आ जाना और ले लेना NS टायर। सो गाइस, फाइनली टायर ले लिया। टायर की प्राइस कॉस्ट में बता देता हूँ, 6,300 रुपये का टायर मिला है मेरे को। थोड़ा कॉस्टली है, मतलब मैं डिस्काउंट और नहीं कर पाया, लेकिन आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ से आ लेना, राघव ब्लॉग्स का नाम ले लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब चलते हैं घर की ओर। कितनी बार बोलूँगा मैं, अब पक्का घर की ओर चलते हैं। सो इट्स मिशलिन पायलट, काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स की बाइक पर भी लगा हुआ है और काफ़ी अच्छे बाइकर्स के उसमें लगा हुआ है। तो ये ना मिशलिन एक्चुअली ट्रस्टेड ब्रांड है, इसलिए मैंने कहा MRF वगैरह में पैसे डालने से अच्छा इसी को एक बार ले लेते हैं। जो इसके ग्रिप लग रही है मेरे को वो भी बेस्ट है, कॉर्न वगैरह के लिए भी। तो अब इसको कल मैं अप्लाई करवाऊंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और जैसे मैंने आज बोला कुछ कुकिंग हो रही है, वो भी दिखाएंगे आपको कि क्या आने वाला है। मैं हिंट दे देता हूँ, एक वाइन आएगी और एक अलग तरीके का व्लॉग आएगा, बट दूसरे चैनल पर। तो चलते हैं सोने और कुछ खाने। तो बाय गाइस, जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय। हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऑलवेज वेयर हेलमेट व्हाइल यू राइडिंग। बाय गाइस, थक गया बहुत, बाय। The apocalypse.